का नंगा तार है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस पे चलेगा मरे ही मरे। मंदिर में जाओगे तो कुटोगे, कावड़ लाओगे तो कुटोगे, जल चढ़ाओगे तो कुटोगे, घोड़ी पे चढ़ोगे, मतलब जब तक इस हिंदू धर्म में रहोगे अपनी कमाई है देते रहो, मंदिरों में चढ़ाते रहो, और आपकी कुटाई कौन, कौन? दलित। अच्छा, दलित की बात। बहन जी भाई वर्ष बुद्धिस्ट है, उनको बौद्ध धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। बहन जी के सारे संस्कार बौद्ध धर्म से होते हैं। अभी कौन से अनपढ़ और खूपड़ लोग घूम रहे जी बहन जी का बौद्ध धर्म अपनाएंगे? अरे भाई बहन जी तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट है, भाई वर्ष बुद्धिस्ट है, बिल्कुल सहमत नहीं है। वो देव की नंदन नरक और स्वर्ग दोनों में ताला लगाकर दरिया में फेंक दो, खुद भी कूद जा। हमने ठेका नहीं लगा देव की नंदन ठाकुर का, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अपना करके अब हमें ये लग रहा है कि हम स्वर्ग में है। पहले हम नरक में थे, हम स्वर्ग में, जब हम हिंदू धर्म में थे नरक में थे, अब हम बौद्ध धर्म में, हम सुरग में है। लेकिन ठाकुर साहब का मेन सवाल को आप लोग दबा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी प्रतिज्ञाओं में अल्लाह का नाम क्यों नहीं है? ओहो, ये अब ये जो सवाल ठाकुर साहब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे ये नकली ब्राह्मण तो नहीं है कहीं। इनकी पहले कुंडली चेक करवाओ देव की नंदन ठाकुर की। अच्छा। ये वास्तव में ब्राह्मण है या हमारे वाले हैं? कहीं हो सकता है कथा पता पढ़ने लग गए हो। अच्छा। बहुत सारा सिस्टम चल रहा ना, तो हो सकता है ये भी कथा पढ़ने लग गए हो। इनसे पूछा जाए कि जब भाई कोई आदमी हिंदू है और वो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना रहा है तो किसकी प्रतिज्ञा लेगा? किसकी प्रतिज्ञा लेगा? रामकृष्ण की लेगा। भाई आज तक मैं इनको मानता रहा था, अब मैं इनको नहीं मानूंगा, बात खत्म हो गई यार। अब वो मुसलमान था ही नहीं, ईसाई था ही नहीं, तो उन्हें छोड़ेगा क्यों जब उसने अपनाया नहीं? छोड़ेगा तो उन्हीं को जो उसने अपना रखे थे। जब उसने अल्लाह नहीं अपनाया, जीसस नहीं अपनाया, जब उसने कोई अपनाया ही नहीं था, जब उनका वो हिस्सा ही नहीं था उसकी जिंदगी में, वो थे ही नहीं, तो उन्हें छोड़ेगा क्यों? छोड़ेगा तो जब पकड़े हो। अरे पकड़ा तो तुमने जबरदस्ती ये रखे थे नंगे तार बिजली के, कहने पकड़ो मरो पिटो कटो लुटो ही पिटो, जो कमा के लाते हो शाम को दारू में दे दिया करो, और जो बचा करो। और नंगे तार है का नंगा तार है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस पे चलेगा मरे ही मरे। मंदिर में जाओगे तो कुटोगे, कावड़ लाओगे तो कुटोगे, जल चढ़ाओगे तो कुटोगे, घोड़ी पे चढ़ोगे, मतलब जब तक इस हिंदू धर्म में रहोगे अपनी कमाई है देते रहो, मंदिरों में चढ़ाते रहो, और आपकी कुटाई कौन, कौन? दलित। अच्छा, दलित की बात कर रहे हैं। जो इस देश का मूल निवासी है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, वो जो है जो इनके खिलाफ वही तो कुटेगा, और कौन सा कुटेगा? आप इस बात को समझिए, देवकी नंदन ठाकुर जैसे जितने लोग हैं कथावाचक है ये, और ये कथावाचक जितने घूम रहे हैं ना, ये कथावाचक जितने घूम रहे हैं, पहले तो इनकी सबकी जातियां चेक कराओ, ये कौन सा किस जाति का है? दर्शन दे रहे हैं हजारों लाखों लोगों। हाँ हाँ, तो इनका मार्गदर्शन हमें नहीं चाहिए ना, मैं जबरदस्ती देंगे ये अपना मार्गदर्शन अपने घर रखो, हमने ठेका दिखा रहे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति, उन्होंने जब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला ली। एक कथावाचक कह रहा है कि हनुमान जी ने शादी करी सूर्य की बेटी से। हाँ, तो कोई प्रूफ है? कोई कोर्ट का सर्टिफिकेट है? हनुमान जी कहाँ पैदा हुए थे? कौन सी उसकी जाति थी? कहाँ पैदा हुए? उनके पिताजी का नाम क्या था? उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी औलाद कौन है? कौन उनका वंशज है? कुछ है? यह सब हवा में ही चल रहा है। कथावाचक कैसा ज्ञान दे रहे हैं लोगों? नहीं, कथावाचक तो आजकल इनकी बाढ़ आ रही है, दरअसल सरकार इनकी चली। हमारा संविधान ये कहता है कि हमको वो बात करनी चाहिए जो साइंटिफिक हो, जिससे साइंस, जिससे लोगों के दिमाग में से अंधविश्वास निकले, पाखंड निकले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में आप शिवलिंग पर पीपल का पत्ता चिपका दीजिए आप पास हो जाएंगे, मंगलवार को गाय को क्या नाम वो लोई खिला दीजिए तो आप पास हो जाएंगे, आपके धंधे में बरकत हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी अपनाएंगे बौद्ध धर्म, करोड़ों लोग। बहन जी अपना ले, बहन जी तो बुद्धिस्ट जी, बहन जी वो हिंदू कब है? बहन जी हिंदू कब है ये बताओ पहले मुझे, बहन कुमारी मायावती जी हिंदू कब है ये बताओ मुझे। बहन जी बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट है, रहा सवाल अपना ना, बुद्ध का रास्ता तो अपने चलने से बनता ना। मान्यवर साहब काशीराम की जयंती हो, मान्यवर साहब काशीराम का परिनिर्वाण हो, 14 अप्रैल का प्रोग्राम हो, 6 दिसंबर का प्रोग्राम हो, और किसी महापुरुष की जयंती हो, बहन जी हमेशा वहाँ 10 भिक्षु बुला करके हमेशा संस्कार कराती हैं। कभी आपने ब्राह्मण देखा? कभी आपने कोई देखा? कभी आपने हवन कुंड देखा? कभी आपने कुछ देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बहन जी हमेशा बुद्ध जिम को फॉलो करती हैं, और यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट हैं। दीक्षा कब लेंगी वो? अरे दीक्षा लेना जरूरी थोड़ी है, बहन जी ने 22 प्रतिज्ञा अपना रखी है, वो भाई वर्ष बुद्धिस्ट है, उनके पिताजी बुद्धिस्ट है, उनके पिताजी का धा, बताइए मुझे, उनके पिताजी का, उनकी माता जी का धा संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जब बहन जी की मम्मी और पापा का धा संस्कार अंतिम क्रिया जो थी वो बौद्ध धर्म के अनुसार हुई, तो इसका मतलब बहन जी भाई वर्ष बुद्धिस्ट है, उनको बौद्ध धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। बहन जी के सारे संस्कार बौद्ध धर्म से होते हैं। अभी कौन से अनपढ़ और खूपड़ लोग घूम रहे जी बहन जी का बौद्ध धर्म अपनाएंगे? अरे भाई बहन जी तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट है, भाई वर्ष बुद्धिस्ट है, तो ये कौन सा सवाल है बहन जी बौद्ध धर्म कब अपनाएंगे? ये तो सवाल ही नहीं बनता। देव की नंदन ठाकुर के बयान से सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। वो देव की नंदन नरक और स्वर्ग दोनों में ताला लगाकर दरिया में फेंक दो, खुद भी कूद जा। हमने ठेका नहीं लगा देव की नंदन ठाकुर का। हम बौद्ध धर्म अपना करके बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अपना करके अब हमें ये लग रहा है कि हम स्वर्ग में है, पहले हम नरक में थे, हम स्वर्ग में। देव की नंदन जी
जो कथावाचक हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, मथुरा में पैदा हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी थी कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली है वो मंत्री तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही जो जिन लोगों ने दोहराई है वो भी नरक में जाएंगे। तो मैं देवकी नंदन ठाकुर से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये नरक और सुरक की चाबी तुम अपने पास रखो, ये नरक और सुरक की चाबी अपने पास रखो। नरक में भी तुम जाओ, सुरक में भी तुम जाओ, और जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ अपनी खाट बिछाओ, वहाँ अपने कथा सुनाओ। ना हम तुम्हारी कथा में आ रहे, ना हम तुम्हारे देवी देवताओं को पूज रहे, ना हम तुम्हारे मंदिरों में आ रहे। भाई जब हम तुम्हें पूज ही नहीं रहे तो तुम नरक और सुरक का रास्ता बताने वाले होते कौन? पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात हो गई है, जो देवकी नंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि जी वो नरक में जाएंगे, तो मुझे देवकी नंदन ठाकुर एक बात का जवाब दे कि भाई मरने के बाद तो आज तक कोई बताने आया नहीं कि नरक या स्वर्ग नाम की कोई चीज़ है, और नीचे से आज तक किसी को नरक और स्वर्ग दिखा नहीं। तो पहले देवकी नंदन ठाकुर ये बताए कि नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है, और वो वहाँ कैसे जाया जाता है, और वहाँ की पिक्चर वहाँ की तस्वीर दिखाए अगर नरक और स्वर्ग कहीं है। ये कुछ अनपढ़ और कूपड़ लोग घूम रहे कथा बाँचते हुए, इनको ये पता नहीं है कि साइंटिफिक दौर में 21वीं सदी में लोग जी रहे हो तुम, और अभी भी नरक और स्वर्ग का भय दिखा करके लोगों को पागल बनाना चाहते हो। क्यों भाई, किस कारण से? अरे ये अंबेडकर वादी है भाई, जब से 22 प्रति के लिए बुद्ध का धम्म अपनाया तब से सुरक्षा की अनुभूति हो रही है, तब से सही मायने में सुरक्षा में। तो उससे पहले तो बेचारे मंदिर जाने में पिट रहे थे, उससे पहले तो घोड़ी पे बैठने में पिट रहे थे, उससे पहले मूछ रखाने में पिट रहे थे, उससे पहले मटका छूने में पिट रहे थे। जब से ये गलीच व्यवस्था छोड़ी है तब से सही मायने में सुरक्षा की अनुभूति हो रही है। आपको आपको नरक से डर नहीं लगता? नरक है ही नहीं नरक, हमें पता है नरक में तो हम थे जब हिंदू धर्म में थे, वही तो नरक था। अच्छा, जब हम हिंदू धर्म में थे तब हम नरक में थे। अब अरे भाई साहब, मरने के बाद तो आज तक किसी ने नहीं बताया कहाँ है। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता था, आज तक लौट के नहीं आया बताने वो है कहाँ। देवकी नंदन ठाकुर पहले बताए ना, ठाकुर साहब देवकी नंदन ठाकुर जी, हम आपका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सम्मान के साथ पूछ रहे हैं, बता दो कुछ सुरक्षित की तस्वीरें दिखा दो, वीडियो मंगवा दो, कहीं कुछ है वहाँ अप्सराएं मिलती कहीं है, बताओ भी कौन सी अप्सरा है, कुछ दो चार अप्सराओं की फोटो मंगवा दो, हमें ही पता चल जाएगा। तो ये नरक और सुरक्षा का जो हमें ये जो चक्कर भी उन्होंने बना रखा है ना, अनपढ़ और कूपड़ लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है अंबेडकर वादी है बेटा। बाबा साहब ने जब 1927 में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, बाबा साहब ने उस समय आज से 95 साल पहले जो है नरक और सुरक्षा दिमाग में से भय निकाल दिया था। अभी 100 साल के बाद हम जग रहे हैं नरक में जाओगे। अरे नरक भी तुम रखो, सुरक्षा भी तुम रखो, तुम चावल इन दोनों में चाबी लगा के अपने पेट में, हमें कोई मतलब नहीं इसका। जब हम हिंदू धर्म में थे नरक में थे, अब हम बौद्ध धर्म में हम सुरक्षा में है, सीधी सी बात है। तो सारे ब्राह्मणों का रोजगार छिन जाएगा ना। अगर ब्राह्मणों को दर्द है तो इस बात का थोड़ी है कि नरक और सुरक्षा, नरक और सुरक्षा दर्द नहीं है उनको, उनको डर सिर्फ इस बात का है कि उनके धंधे पे ताला लग गया, मंदिर जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, प्रसाद बटेगा। वो एक एक पूरे भारत में एक तिजोरी अकेली मंदिर की ऐसी है कि जहाँ पर जो है वो डाल पूरा दान तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से दान को उस पैसे को चंदे को कोई निकालता है तो वो है ब्राह्मण। आप इस षड्यंत्र को समझिए, और जब आप उसकी तिजोरी में चंदा डालना बंद करोगे तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। ये धर्म का धंधा है, और उनका धर्म का धंधा जब मंदा हो जाएगा तो उनको दिक्कत होगी।